डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम लिक्विड एंड सॉलिड्स के हवाले से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोगों ने अभी तक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से डिस्कस किया था कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज होती हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। देन मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से गाइड किया था, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी दूसरे पार्शियल नेगेटिव यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, और यूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इसकी जो एप्लीकेशंस थी, हम एप्लीकेशंस में पढ़ रहे थे, हमारे पास थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स था, सॉलिबिलिटी थी, सॉप एंड डिटर्जेंट एक्शन था, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो अब इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि आइस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने की वजह से आइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या एक्चुअली में चेंजेस आती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, जिसके बारे में मैं आपको पहले गाइड कर चुका हुआ था कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देन हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहम है कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कैसा होता है, और फिर इस तरह मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में मिलते चले जाएंगे और वो क्या बना देंगे, आइस की फॉर्मेशन बना देंगे। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है डिस्कस करने वाली वो है डेंसिटी ऑफ आइस, और डेंसिटी ऑफ आइस हमें समझ में आएगा जब हम क्रिस्टल ऑफ आइस यानी आइस के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, और देन लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो समुंदर में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आसानी से आइस के नीचे रह लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो पहला ये होगा कि रीज़न फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही हम लोग मेनली तौर पर आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और डिफरेंट इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। बट आज के लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम देख लेंगे मेनली तौर पर वाटर के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपके सामने वाटर का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं जिन्होंने टेट्राहेड्रल का कॉर्नर बनाया होता है, और दो ही बॉन्ड पेयर हैं जो कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल किए होते हैं, और ये टेट्राहेड्रल के दूसरे दो कॉर्नर्स बना रहे होते हैं, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 होता है। अब पानी के एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या क्रिएट करता चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता चला जाएगा। जैसे कि अब आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पहले पॉइंट के ऊपर गौर कीजिएगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होने की वजह से पानी का जो स्ट्रक्चर है एक मॉलिक्यूल का वो टेट्राहेड्रल है। अब क्या होता है कि लिक्विड स्टेट के अंदर या पहले अगर हम बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट की, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गैसियस स्टेट के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इतनी अच्छी ऑपरेट नहीं हुई हुई। लेकिन जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं यानी कि पानी जब लिक्विड स्टेट में है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, और अगर आप ये अरेंजमेंट देखें तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और मूवमेंट पे होते हैं, मोबाइल नेचर होती है इनकी, मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही आपने इसको आइस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है, उसको गौर से सुनिएगा कि जैसे ही आप पानी का टेम्परेचर कम करते चले जा रहे हैं, 15 डिग्री, फिर आपने 10 डिग्री कर दिया, फिर आपने 5 डिग्री कर दिया, जैसे ही आप 4 डिग्री पर पहुंचेंगे, तो 4 डिग्री पर लिक्विड वाटर जो है आइस फॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा, यानी कि आइस बनाना शुरू कर देगा, और जैसे ही 4 डिग्री को कम करते चले जाएंगे, आई मीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस फॉर्म में चला जाएगा, आइस की फॉर्म में चला जाएगा। अब ये जो आइस बनी है इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ये ख़ास किस्म की एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इसमें आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ये स्पेसेस जो होती हैं ये एज सच लिक्विड स्टेट में नहीं होती हैं,
इन स्पेसेस के आ जाने की वजह से जो हमारा आइस का स्ट्रक्चर बनेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस लिक्विड वाटर की निस्बत ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा? तकरीबन 9%। 9% एम्प्टी स्पेसेस आ जाने की वजह से इस आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। अब आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी, यानी वॉल्यूम बढ़ा। अब इन स्पेसेस की वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट हुई है, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से आइस जो है वो इस लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, ऊपर बहना शुरू कर देती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लिक्विड वाटर के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं होती हैं। सो ये एक दूसरे के करीब करीब है, इनका वॉल्यूम कम है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री पर आते हैं, तो 4 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री पर जाते वक्त मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और अरेंजमेंट करते दौरान इनके दरमियान बीच में स्पेसेस आ जाती हैं, और फिर ये फाइनली आइस की फॉर्म में जब पहुंचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्रिस्टलाइन जो शेप होती है उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, तो ये अपनी फिक्स ज्योमेट्री को अटेन करते हैं और इनके दरमियान स्पेसेस आ जाती हैं। तो जब स्पेसेस आती हैं तो क्या होता है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से ये इस लिक्विड वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। जैसे कि आपको एक और डायग्राम दिखाई गई है, आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जब वो लिक्विड स्टेट में था। जब सॉलिड स्टेट में चला गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट आ जाने की वजह से उसमें क्या आ गई? एम्प्टी स्पेसेस आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा? लास्ट पे दिखाया गया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम एम्प्टी स्पेसेस आ जाने की वजह से 9% ज़्यादा हो गया, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? या इसकी कम हो जाएगी, और ये पानी के सतह के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो आइस के ऊपर फ्लोट करने की वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो आइस के नीचे आसानी से रह सकती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आइस ऊपर मौजूद होगी तो आइस इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब है कि जो रेडिएशंस है, सूरज से आने वाली रेडिएशंस, वो रेडिएशंस नीचे तो जा सकती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। तो उन रेडिएशंस की वजह से नीचे का पानी जो है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, और वहाँ पे मौजूद जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बआसानी अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार सकते हैं। तो जैसे ही सतह का पानी ठंडा होने लगता है तो वो आइस की फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा। आइस की फॉर्मेशन जैसे ही होगी तो वो आइस ऊपर तैरना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, कि वैन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेज बिलो 4 डिग्री, जैसे ही 4 डिग्री से कम करने लगते हैं तो क्या होगा? द वाटर ऑन द सर्फेस बिकम लेस डेंसर। मैंने आपसे कहा कि जैसे ही 4 से कम करने लगेंगे रेगुलर अरेंजमेंट्स आएंगी, रेगुलर अरेंजमेंट्स की वजह से उसकी डेंस उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। सो दिस डेंस वाटर स्टेज एट द टॉप ऑफ द स्लाइटली वार्मर वाटर अंडरनीथ। जाहरी बात है, गर्म पानी जो होगा उसमें रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं होंगी तो वो नीचे रहेगा, और जो थोड़ा सा ठंडा पानी होगा, जो बर्फ़ बनाने लगा होगा, उसका वॉल्यूम, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट्स होंगी और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो कहाँ रहेगा? ऊपर टॉप पे रहेगा, और फाइनली जब उसकी आइस फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो आइस ऊपर रहना शुरू कर देगी। अब आइस इंसुलेट्स वाटर बिलो इट, इसका मतलब ये है कि जो पानी नीचे है आइस इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही है, और उसकी वजह से जो नीचे का पानी है वो गर्म रह रहा है। सो फिश एंड प्लांट्स कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर ब्लैंकेट ऑफ आइस। आइस की जो एक ब्लैंकेट बिछ जाती है उससे नीचे हमारे पास जो फिश हैं, जो प्लांट्स हैं, या जो दीगर ओशन लाइफ्स हैं वो आसानी से वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा अहम एमसीक्यूज़, डियर स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, डायमंड, इथाइलीन, ग्रेफाइट और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो याद रखिएगा, आइस के अंदर की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि डायमंड के अंदर की अरेंजमेंट होती है। तो आइस का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, ये याद रखिएगा। दूसरा एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास कि व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू।
अब आपको मैंने गाइड कर दिया कि इसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज करती है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है, वो है आपकी सी ऑप्शन, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने आइस की फॉर्मेशन के हवाले से डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और वो वार्म वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देती है, और ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।